हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी बाइक रास्ते में बंद हो चुकी है क्योंकि उसके कार्बोरेटर में कतरा आ चुका है। तो देखते हैं स्टार्ट हो गई या नहीं। फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा हमारी इतनी कोशिश के बाद ये स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम इसे धक्का लगा कर घर लेकर जाते हैं। चलिए, घर आने के बाद फ्रेंड्स छोटी सी ट्रिक है जो बिल्कुल ही काम करेगी। देखिए, आप देख सकते हैं ओवर भी हो रहा है जी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इसने पेट्रोल निकाल रखा है। देखिए, लो फ्रेंड्स छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं इस पर। इसका जी नट खोलना है, इससे पहले मैं पेट्रोल पाइप हटा दूं टैंक से। ये हटा दिया मैंने। अब इसका जी नट खोलेंगे ताकि इसके अंदर जो भी पेट्रोल में कतरा हो निकल जाए। फ्रेंड्स ये पूरा निकालना है हमने। एक बार पूरा निकाल ली, ये मैं इसलिए मार रहा हूँ ताकि इसकी जो निडल फंसी होगी वो निकल जाएगी। देखिए सारा पेट्रोल निकल चुका है इसका। एक बात और फ्रेंड्स, मैंने एक बैटरी रिपेयर की थी 3-4 मंथ पहले, वही बैटरी अब भी बाइक में लग रही है। कुछ लोग बोलते थे फेक है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसकी पाइप में फूंक मार देता हूँ ताकि इसके जो जेड है फ्रेंड्स वो बंद हो जाते हैं ना, उसमें उनमें से कतरा निकल जाए। पेट्रोल छोड़ देते हैं थोड़ा सा ताकि जो कतरा निकला हो थोड़ा सा और बाहर निकल जाए। इतनी सी ट्रिक थी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, जिससे आपकी बाइक ओवर होना बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। प्लीज कमेंट भी करें, अगर आपको किसी भी बाइक में कोई भी दिक्कत है तो उसका भी हम सलूशन कर देंगे। बस इतना सा ही काम था फ्रेंड्स। इसका नट लगा देते हैं, मेन नट तो आपको दिखा देता हूँ मैं, आगे दिखाता हूँ वीडियो में भी कितना इसके अंदर कतरा था, इसलिए ये ओवर भी हो रहा था और पिकअप भी नहीं ले रही थी गाड़ी। लो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप उसके अंदर कितने कतरे हैं, मट्टी सी है, देख सकते हैं। ये छोटे छोटे से कतरे ही फ्रेंड्स जेड के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि जेड का सुराख बहुत ही ब्रीक होता है, देख सकते हैं। लो फ्रेंड्स ये ट्रिक पूरी काम करेगी, देख सकते हैं लास्ट में मैंने पेट्रोल निकाल दिया। लो फ्रेंड्स ध्यान से देख सकते हैं आप, मैंने इसलिए बर्तन का यूज किया था।